मैटर इज आवर सराउंडिंग पार्ट टू लेकर आ चुके हैं हम लोग, और इसमें डिस्कस करेंगे फिजिक्सियल नेचर ऑफ मैटर। अच्छा, उसमें हमें पता चल गया था मैटर होता क्या है। अच्छा, मैटर मैं हूँ मैटर मैं भी तो हूँ तो चल ठीक है, प्रूव करते हैं कैसे है, फिजिक्सियल नेचर से प्रूव करते हैं कि मैटर आप हो कि मैटर तुम हो। ठीक, कैसे प्रूव करेंगे, फिजिक्सियल नेचर से। तुम मैटर हो, मैं बोल रहा हूँ दोस्त, तुम मैटर हो, कैसे हो, बट सीरियसली मत लेना, ठीक है, सीरियसली मत लेना, तुम मैटर हो। देखो, मैटर इज मेड अप स्मॉल पार्टिकल्स, व्हाट इज दिस, अरे यार तुम बने हो किससे, कोशिका से यार, हो ना, फ्रेंड हो तो बात करते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स तुम किससे मिलके बने हो, किससे, सेल से यानी कोशिका से मिलकर बने हो, कोशिका से मिलकर बने हो, कोशिका क्या है, एक स्मॉल पार्टिकल्स है, ठीक है, एक स्मॉल पार्टिकल्स है, यानी मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, तुम एक मैटर हो ये मानो, क्योंकि तुम एक स्मॉल पार्टिकल से मिलके बने हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी 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 स्मॉल, मतलब हमारी जो सेल है, दूसरा कंडीशन दिया कि हमारी जो सेल है मतलब कोशिका जो है, इसको तुम अप्लाई कर सकते हो सेल की प्रॉपर्टी में भी, ठीक है, कुछ हद तक सेल की प्रॉपर्टी में भी अप्लाई हो जाएगा मैटर, बट इतना समझो पार्टिकल जो है वो आपकी सेल हो जाएगी, ठीक है। देखो, वेरी 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 स्मॉल मतलब माइक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रोस्कोपिक, मैं बोल रहा हूँ ना नैनोस्कोपिक, बोलो माइक्रो, माइक्रो यानी 10^-6, नो दिस इज नॉट राइट, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली भी नहीं है, बहुत कम है, इसको बोलेंगे नैनोपिक पार्टिकल्स, नैनोपिक पार्टिकल्स, पार्टी कितना स्मॉल होगा, नैनोपिक पार्टिकल्स अप्रॉक्सीमेटली मतलब लगभग नैनोपिक पार्टिकल्स के बराबर होगा, क्यों होगा, नैनोपिक यानी नैनो मतलब 10^9, अरे यार हरामखोर मारूंगा तुम्हें, नाना पापा फर्जी हैं, इससे तुम याद कर सकते हो, हमारी एक वीडियो ऑलरेडी इस पर बन चुकी है, SI प्रीफिक्स कैसे याद करें, यानी नैनोपिक, माइक्रो, माइक्रो डेका हेक्टोकिलो मेगा टेरा पेटेक्सा, ये सारी चीज़ें जो हैं SI प्रीफिक्स जो है, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। तो नैनोपिक पार्टिकल्स आप देख सकते हो उसको, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो नैनोपिक पार्टिकल्स जो हैं, ये नैनोपिक पार्टिकल्स होगा, क्यों होगा, देखो 10^-9 अप्रॉक्सीमेटली आ गया, क्योंकि 10^ मैटर के जो पार्टिकल्स हैं इसको बोलते हैं मैटर, इसको बोलते हैं एटम, एटम क्या होगा, 10^ लगभग 10 होता है, ठीक है, -10, ये भी 9 है, और ये हो क्या होता है, अगर माइक्रो बोलेंगे दिस इज नॉट राइट बिकॉज 10^-6 होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली भी नहीं होता, अरे 1000, तो यही बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो क्या है, अब थर्ड नंबर आता है, अब कैसे प्रूव करें तुम मैटर हो, अगला चल दो, दो तो बैठ गया तुम्हारे ऊपर, यू आर मैटर, ओके राइट, दो कंडीशन राइट है, अब अगला चलते हैं। अब देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, अरे क्या बोले, क्या बोले, इसको एक्सप्लेन करें कि यू आर मैटर, कैसे एक्सप्लेन करें, जस्ट वेट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, क्या हुआ कि हमारे अंदर स्पेस है, मतलब क्या बोल रहा है, हाई स्पेस है, प्रूफ, आई एम प्रूफ, प्रूफ हो गया ना कि स्पेस है, ठीक है, किस कैसे है स्पेस, अच्छा चलो ऑयल लगाते हैं, वेट,
देखिए जब देखो वाटर मेरे फिंगर पे गिरा था, ठीक, फिंगर पर वाटर गिरा था, वाटर मेरे फिंगर पर गिरा था जब मैं पी रहा था पानी, ठीक है, वाटर जब मैं ड्रिंक कर रहा था तो मेरे फिंगर पे गिरा था, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा कि ये जो सेल है इसके बीच में स्पेस है, तभी तू एब्जॉर्ब कर ली, देख लो सिंपल, देख लो, देख लो, देखो हो गया ना, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये क्या होगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब मेरी सेल, मेरे शरीर, मेरी बॉडी की जो सेल है यानी जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है, तभी तो एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा इसका एग्जांपल और देता हूँ, जैसे चलो और एग्जांपल दूँ, देखो इसका एग्जांपल और देता हूँ, पहले ले लो, पहले वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम ज़्यादा एग्जांपल पे ही ध्यान नहीं देते हैं, बट डिस्कस कर लेते हैं कि जब हम वाटर में शुगर मिक्स करेंगे तो क्या होगा, उसका लेवल नहीं उठेगा। अरे तुम्हारी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तो तुम्हारा लेवल उठ जाएगा? नहीं उठेगा, तुम उतने ही रहोगे, ठीक है, सिंपल सी बात। आगे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी मूविंग, मतलब कंटिन्यूसली, मतलब क्या होगा कि मूव जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मूव करते हैं। क्या मैं नहीं, पार्टिकल, बट मेरी सेल तो मूव नहीं कर रही थी। दिस इज नॉट मूव कर रही थी, बट वेरी स्मॉल। देखो पार्टिकल्स मूव कर रही होती हर एक कंडीशन में नहीं। कंडीशन क्या होगा कि ये कंडीशन जो है ये तुम्हारी बॉडी के ऊपर फिट नहीं बैठती, तो इसलिए इसको फिट नहीं करते हैं, बट इतने सारे 3 फिट करते हैं। आगे बात करते हैं, क्यों मूव नहीं करती तुम्हारी जो सेल है, ये मूव नहीं करती। तुम्हारी सेल का कुछ कुछ पार्ट मूव करता है, क्योंकि देखो एक एक सेल तो तुम हिला नहीं सकते, एक एक सेल एक तुम्हारी घूमती नहीं है। अगर अगर पार्टिकल्स मूव करते यानी तुम्हारी सेल मूव करती तो ये मूव करके यहाँ आ जाती, यहाँ ख़त्म हो जाता, बट ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेरी जो सेल्स हैं यानी जो पार्टिकल्स हैं ऑफ मैटर इस कंटिन्यूसली मूव करते हैं, बट सेल इज नॉट मूविंग। ठीक है, इतना समझो। अब देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है, कैसे मूव करते हैं, इनके पास पावर कहाँ से आती है इतनी सारी? अब पावर कहाँ से आती है ये पता करते हैं, ठीक है। देखो अब शरीर को यहाँ पर भूल जाते हैं, ठीक, बॉडी को यहाँ पर भूल जाते हैं इस सेंटेंस में। अब मैटर पे ध्यान दो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंसिस्टिंग, देखो सिंपल सी बात है, एक वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स हैं, हमने ये बात साबित कर दी, ठीक है, हमें ये पता है कि वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हैं, और क्या होगा इनके बीच में स्पेस होता है। अरे क्या बोल रहे, स्पेस होता है। अरे तुम भीड़ में कभी देखे हो? भीड़ में जब तुम जाते हो तुम्हारे पास स्पेस नहीं रहता, तो तुम ऐसे करके निकलते हो, ठीक है, ऐसे करके निकलते हो, बट क्या होता है, देखो और बताएं, ऐसे निकल लेते हो, बट तुम्हारे पास जब खाली रहता है, मैदान रहता है, जब मैदान में रहते हो तो क्या करते हो, ऐसे चलते हो। तो मतलब क्या हुआ, पार्टिकल क्या है, इनके पास स्पेस है तो कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे। देखो मैं यहाँ पर मूव क्यों कर पा रहा हूँ, ऐसे क्यों मूव कर रहा हूँ, क्योंकि आई हैव स्पेस। बट अगर स्पेस ना हो, यहाँ पर थिंग्स रखी हो, तो क्या होगा, मूव कर पाएंगे? ऐसे करके पढ़ाएंगे, बट राइट, पार्टिकल्स हैव स्पेस, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी मूविंग, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक। आगे क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। अरे क्या बोला, ये कुछ समझ में आ रहा है, कुछ यहाँ पर कहानी बन रही है, यहाँ पर क्या बन रहा है, अट्रैक्ट, अच्छा अट्रैक्शन तो और एक होता है, एक अट्रैक्शन और होता है। देखो यहाँ पर जो 9th वाले बच्चे हैं,
वो उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, नाइन्थ वाले बच्चे जो होंगे, नाइन्थ के लिए अगर तुम वीडियो देख रहे हो ये, तो उनके लिए नहीं, बट हाई जो SHS की तैयारी कर रहे हैं 11th क्लास के लिए, उनके लिए बोल रहे हैं। देखो पार्टिकल्स वो मत लेना, ठीक है, इसको स्किप कर दो तुम, इस पार्टिकल इस पार्ट को स्किप कर दो तुम अगर 9th में हो तो, ठीक। पार्टिकल्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब क्या बोले, क्या बोला कि ये तुम हो यू 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 ए अच्छे हो, ठीक है, गुड गुड। ये तुम हो, अब ये कौन है ये, इसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ओके, इसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, ये तुम हो, इतना जरूर, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम हो, ये इसको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अब ये कौन हो सकता है, ये तुम मुझे कमेंट करके बताना, मैं बता देता हूँ पहले, कमेंट कर दिए, ठीक है, बता दो। अब क्या होगा कि ये तुम हो, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्या बोले, गर्लफ्रेंड, शांति से बोलो, गर्लफ्रेंड, ठीक, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब देखो क्या होगा, तुम दोनों के बीच में अट्रैक्शन रहेगा, मतलब अट्रैक्शन ईच अदर, मतलब अदर अदर, अब ये तुम्हारा दोस्त भी हो सकता, मतलब मैं भी हो सकता हूँ, मतलब हम दोनों का कनेक्शन है, ठीक है, कनेक्शन है, टाटा बीड़ा है, ठीक है, अट्रैक्शन। अब यहाँ पर मैं भी हो सकता हूँ, मैं अपने आपको बना दू, ठीक है, ये मैं हूँ, अब हम दोनों दोस्त हैं यानी फ्रेंड है, तो हमारे दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है, अट्रैक्ट होगा, मतलब ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर, मतलब दूसरे से अट्रैक्शन में रहते हैं, ठीक है, तभी तो ये मार्कर बना है, तभी तो हम जिंदे हैं, ये जो कंडीशन है, ये जो फिजिक्स नेचर है, बिहेवियर है, अरे तुम्हारा बिहेवियर क्या है, तुम तो पढ़ाई करने की बात नहीं, डांस करने गए, नो, वहाँ बात करोगे, पापा को बताओगे ये करना है, वो करोगे, पबजी देखोगे, पबजी खेलते हो तुम, अच्छा पबजी बैन हो गई थी, फ्री फायर खेलती हो, ठीक है, खेलो कुछ भी खेलो, बस लव यहाँ पर करो, लव फिजिक्स से करो, फिजिक्स की दुनिया, फिजिक्स इज योर गर्लफ्रेंड, ठीक है, बस इतना जानो, पबजी खेलो चाहे फ्री फायर खेलो, कुछ भी खेलो, बट देखो क्या हुआ, ये जो कंडीशन है हमारी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर ईच अदर, ये जो होगा ये हमारी बॉडी पर भी ये फार्मूला अबे करता, कैसे करता है, यदि मान लीजिए कि मेरी जो सेल है, कोशिका है, कि एक दूसरे से बंध ही ना हो, यानी अट्रैक्ट ना हो, अट्रैक्शन ना हो इनके अंदर, तो क्या होगा, क्या होगा बता सकते हो तुम, ऐसा फट जाएगी शरीर, धज्जियाँ उड़ जाएंगी, किसकी, सबकी उड़ जाएगी, क्योंकि ह्यूमन की उड़ जाएगी, धज्जियाँ उड़ जाएगी, अट्रैक्शन ना हो हमारी इन सेल के बीच में, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ मैटर। यदि तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूं, यहां तक तुम देखे हो तो तुम हो अच्छे बच्चे, मतलब यू आर वेरी वेरी गुड फ्रेंड, तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, आज आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो आज मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, वो गिफ्ट क्या होगा कि मैं तुम्हें इसका, ठीक है, मतलब इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे, इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे उन उसका PDF दूंगा, ठीक है, तो मैं बताता हूँ कहाँ पर इसका PDF मिलेगा, इसका PDF मिलेगा तुम्हें हमारे, मैं तुम्हें अब एक नंबर दे रहा, ठीक है, इस नंबर पे मैसेज, इसी नंबर पे मिलेगा, तिरानबे 360 90 191, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि आई एम रेडी,
इस नंबर पे मैसेज करो, आई एम रेडी फॉर पीडीएफ, ये जो नंबर है नोट कर लो, इसमें भी यहाँ पर भी लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर है, इस पर तुम लिखो आई एम रेडी फॉर पीडीएफ, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। गुड बाय टाटा। हैंडशेक करोगे? चलो हैंडशेक करो। ओके हैंडशेक।